Hello and welcome to the class once again, students. As you know, we were discussing about modal auxiliaries. Humne teen modal auxiliaries ko abhi tak dekha, shall, will and can. Now, we move on to the next modal auxiliaries, which is may. May ka pehla istemal hota hai to express permission. To express permission. परमिशन एक्सप्रेस करने के लिए जैसे यू मे गो हो दूसरा इसका यूज होता है टू एक्सप्रेस अ पोलाइट रिक्वेस्ट या पहले हम लेते हैं टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी जैसे इट मे रेन टुडे आज बारिश हो सकती है संभावना तीसरा टू एक्सप्रेस अ विश और प्रेफरेंस या सिंपली विश लेते हैं हम नॉट प्रेफरेंस टू एक्सप्रेस अ विश जैसे मे ही लिव लॉन्ग यहां पे आएगा ऐसा एक्सक्लेमेटरी मार्क मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू इस तरह से मे सिस्टर मे गॉड ब्लेस यू ये एक विश है इच्छा है इसको भी बताने के लिए एक्सप्रेस करने के लिए जाहिर करने के लिए मे का इस्तेमाल किया जाता है देन द नेक्स्ट इज वुड वुड का पहला इस्तेमाल है एज पास्ट टेंस ऑफ विल इन इनडायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच में विल के पास्ट टेंस के रूप में जैसे ही सेड आई विल डू दिस वर्क इनडायरेक्ट स्पीच में ही सेड दैट ही वुड विल को आपने किस में चेंज कर दिया वुड में डू दैट वर्क दूसरा टू एक्सप्रेस अ हैबिचुअल एक्शन In the past, जैसे every day I would go for a walk. Would with rather expresses
A wish or preference. जैसे विश या प्रेफरेंस, आपका प्रेफरेंस क्या है, किसको आप प्राथमिकता देते हैं। वुड के साथ में रादर का इस्तेमाल जब होता है तो इस तरह से प्रेफरेंस बनाया जाता है। जैसे आई वुड रादर स्टार्व। Then beg. मैं भीख मांगने के बजाय भूखा रहना पसंद करूंगा। इसी तरह से चौथा है to express a polite request. To express a polite request, जैसे would you care for a cup of tea? क्या आप एक कप चाय लेना चाहेंगे? Will से ज्यादा polite, polite का मतलब समझते हैं? विनम्र। Would में बहुत politeness होती है, बहुत विनम्रता होती है, ठीक है? Would you care for a cup of tea? Would you please close the door? Would you please help me? इसमें politeness बहुत ज्यादा है, polite request. To express an imagined result of an imagined condition. किसी imagine की हुई condition का imagine किया हुआ result. If I won a lottery, I would build a hospital. अगर मैंने लॉटरी जीती तो मैं एक हॉस्पिटल बनवा दूंगा। तो ये imagined condition का imagined result है, उसको बताने के लिए भी किसका इस्तेमाल होगा? Would का। Now should, should का पहला इस्तेमाल to express indirect speech, या इसको इस तरह से लिखते हैं, इसे काफी लंबा हो जाएगा ये, as a past tense, as past tense of shall,
In direct speech. Shall के past tense के रूप में indirect speech में जैसे he said the workers shall report on Monday. He said that the workers should report on Monday. डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय आपने शैल और विल को सॉरी शैल को किस में बदल दिया शुड में. कोई लॉजिकल नेसेसिटी को यानी कोई काम आप एक्सेप्ट कर रहे हैं आपके मन में ये भावना है आपका ये एक्सपेक्टेशन है कि वो काम अब तक हो चुका होगा उसको भी बताने के लिए हम शुड का इस्तेमाल करते हैं जैसे टू एक्सप्रेस लॉजिकल नेसेसिटी लॉजिकल जी अच्छे से लिखती हूँ आपको समझ में आया लॉजिकल नेसेसिटी जैसे अब तक वो घर पहुंच चुके होंगे दे शुड बी होम बाय नाउ ठीक है तीसरा टू एक्सप्रेस एंड एडवाइस जैसे यू शुड ओबे योर पेरेंट्स देर इज नो कंपल्शन इन इट इसमें कोई कंपल्शन नहीं है सजेस्टिविटी है एडवाइस है सलाह है कि आपको अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए सो वी हैव सीन शुड नाउ द नेक्स्ट इज Could. ये ध्यान रखिएगा कि भावों के हिसाब से ये क्या क्या एक्सप्रेस कर सकते हैं उसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं यहां दे रही हूं इसके अलावा भी ढेरों इसके और एग्जाम्पल हैं जो आप जितनी वास्ट रीडिंग करेंगे जितनी ज़्यादा किताबें पढ़ेंगे आपको समझ में आता जाएगा कि इन जगहों पे भी इनका इस्तेमाल होता है सो नेक्स्ट इज कुड पहला एज पास्ट टेंस ऑफ कैन In indirect speech, indirect speech में can के past tense में इसका इस्तेमाल होता है जैसे she said I can read French. She said that she could
read French. ठीक है, दूसरा है जैसे आपने कैन के लिए देखा कि कैन परमिशन बताता है, बिल्कुल उसी तरह से कुड भी परमिशन बताएगा, आस्किंग फॉर परमिशन. कुड आई गो होम? ठीक है, तीसरा है एन एबिलिटी. इन द पास्ट आपकी कोई योग्यता जो पास्ट में थी, जैसे आई कुड read without glasses until 6 months ago. आपकी कोई past में ability थी, जैसे मैं बिना चश्मे के 6 महीने के पहले तक, 6 महीने से पहले तक मैं बिना चश्मे के पढ़ लेती थी, ये मेरी योग्यता है पिछले समय की. इससे भी आप कुड को एक्सप्रेस, कुड से इसको भी एक्सप्रेस कर सकते हैं. इसके बाद है नेक्स्ट माइट. Might सबसे पहला यूज एज पास्ट टेंस ऑफ मे. इन इनडायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच में मे के पास्ट टेंस के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं. जैसे शी सेड आई मे डू इट. शी सेड दैट She might do it. Dusra, to express a polite request. Might
इसको कैपिटल से लिखते हैं. Might I borrow your book? Tisra, to express a possibility, you may write probability also. आप पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी लिख सकते हैं. संभावना, जब बहुत ही किसी चीज़ की बहुत कम संभावना होती है तो माइट से एक्सप्रेस करते हैं, है ना. इट माइट रेन टुडे, आज पानी गिर सकता है, बहुत हल्की सी संभावना है ना, तो आप माइट का इस्तेमाल करेंगे. इट माइट रेन टुडे. सो this was might. Now the next is must. 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 It shows compulsion. आपको कोई काम करने के लिए बाध्य किया जाए तो must शब्द का इस्तेमाल होता है. एडवाइजेबिलिटी है तो शुड. आपको सलाह दी जाए आपको ऐसा करना चाहिए तो आप लगाएंगे शुड. आपको ऐसा करना पड़ेगा आप लगाएंगे मस्ट. इट शोज कंपल्शन नेसेसिटी. इट मीन्स हैव टू. Have to or have got to. करना पड़ेगा. चाहिए वाली कोई बात ही नहीं है. जब इतना फोर्स कंपल्शन और नेसेसिटी होता है तो मस्ट का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. जैसे आपको कहा जाए यू मस्ट डू इट, you must do it, तुमको करना पड़ेगा, you are compelled to do it, you must obey the laws, नियम कानून मानने पड़ेंगे, there is compulsion. ठीक है, आपको दबाव है, आपको ये काम करना है, must. दूसरा है मस्ट जो है फिक्स डिटर्मिनेशन शो करता है. सोचिए कैसे. मैंने आपको बताया कि मस्ट जो है कंपल्शन शो करता है, मस्ट फिक्स डिटर्मिनेशन को भी शो करता है. टू एक्सप्रेस फिक्स्ड डिटर्मिनेशन, जिसे बदला नहीं जा सकता, आप डिटर्मिंड हैं ऐसा करने के लिए, तो फिक्स डिटर्मिनेशन को शो करने के लिए भी मस्ट का इस्तेमाल किया जाता है. जैसे यू मस्ट लीव नाउ, तुमको जाना ही पड़ेगा, या आई मस्ट गो नाउ, आपका डिटर्मिनेशन है आई मस्ट गो नाउ.
फिक्स डिटर्मिनेशन को शो करने के लिए भी मस्ट का इस्तेमाल किया जाता है. इसके अलावा एक इसका और यूज है, मजंट. मजंट सुना है? मस्ट नॉट, ठीक है, मस्ट प्लस नॉट, इसको कहा जाता है मजंट. आप इसको मस्टंट नहीं पढ़ना, मजंट. और इसका मतलब होता है नॉट परमिटेड टू. तुमको परमिशन नहीं है. जैसे यू मजंट लीव नाउ, तुमको जाने की परमिशन नहीं है. आ गया समझ में? तो ये है मस्ट का इस्तेमाल, आपने देख लिया. आगे चलते हैं, इसी का जस्ट ऑपोजिट देखते हैं, नीड. नीड, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है. नीड जनरली नॉट के साथ यूज होता है, सिंपल सेंटेंसेस में, असर्टिव सेंटेंसेस में, क्वेश्चंस में. नीड सिर्फ, आप सिर्फ नीड यूज करेंगे, और नीड बाकी जो सेंटेंसेस होंगे उनमें आप नीड नॉट यूज करेंगे, यानी नीडंट बोलेंगे जिसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में. जैसे एक छोटा सा वार्तालाप, एक क्वेश्चन आंसर देखते हैं. जैसे ए पूछा, कोई ए है बोलने वाला, है ना, ये बोल रहा है मस्ट आई गो देयर, मुझे वहां जाना है. बी बोल रहा है नो यू नीडंट, तुम्हें जाने की आवश्यकता नहीं है. इसको लिख सकते हैं आप ऑपोजिट ऑफ मस्ट, मस्ट का उल्टा. ए पूछ रहा है मस्ट आई पे द अमाउंट, इन वन इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट कि मुझे एक ही इंस्टॉलमेंट में पूरा पेमेंट करना पड़ेगा. तो बी जो है वो जवाब देगा नो यू नीडंट, नीड नॉट यानी नीडंट, तुम्हें एक इंस्टॉलमेंट में देने की आवश्यकता नहीं है. यू कैन पे इट इन टू इंस्टॉलमेंट्स. ये हो गया नीड, जो ऑपोजिट है मस्ट का और यूज होता है नॉट के साथ, नीड नॉट. नाउ ऑट टू, अगला है ऑट. इसका इस्तेमाल
इस्तेमाल लगभग वैसा ही होता है जैसा शुड का, टू एक्सप्रेस सोशल और मॉरल ऑब्लिगेशन, आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा बोलते हैं ना, ये इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है ऑट को। और ऑट के साथ हमेशा हम लगाते हैं टू, सेम इसकी मीनिंग होती है सेम एज शुड, यानी चाहिए, कंपल्शन नहीं है, देयर इज नो कंपल्शन। जैसे वी ऑट टू रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो जहां आप शुड यूज करते हैं एडवाइजेबिलिटी के लिए, वहां आप ऑट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है डेयर, डेयर मीन्स फियरलेसनेस, भय मुक्त होना, फियरलेस होना। How dare you say such thing? ऐसा कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये है dare. Dare का मतलब, dare को जब ordinary इसमें sense में use किया जाता है, have the courage to do something. Fearlessness या इसको आप बी ब्रेव इनफ भी कहा जाता है, इतना बहादुर होना, बी ब्रेव इनफ, ये पहला इस्तेमाल हो गया इसका बी ब्रेव इनफ के हिसाब से। और दूसरा है व्हेन यूज्ड एज एन ऑर्डिनरी वर्ब, एक सामान्य क्रिया के रूप में जब हम इसे इस्तेमाल करते हैं, इट मीन्स हैव द करेज टू डू समथिंग, हैव द करेज टू डू समथिंग, किसी चीज को करने का साहस होना, हैव द करेज टू डू समथिंग। जैसे I did not dare to criticize the government. To criticize the government. Sorry. Will be criticize government. I did not dare to criticize the government. इस तरह से जब एक ordinary verb के रूप में आप इस्तेमाल करेंगे तो ये dare जो होगा इसका मतलब होगा have the courage to do something, किसी भी काम को करने के लिए साहस होना। अब last model है that is used to. Used to used to कोई habitual action है आपका, habitual action in the past,
इसको एक्सप्रेस करने के लिए यूज टू का इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे आई यूज टू डू एक्सरसाइज डेली लास्ट ईयर. पिछले साल मैं रोज एक्सरसाइज करती थी. तो आपका जो पुराना हैबिचुअल एक्शन है उसको बताने के लिए आप यूज टू का इस्तेमाल कर सकते हैं. दूसरा है यूज टू बी. ये है एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग इन द पास्ट. पुराने समय में पास्ट में अगर किसी चीज का अस्तित्व था तो उसको बताने के लिए यूज टू बी का इस्तेमाल किया जाता है. जैसे देयर यूज टू बी अ गार्डन हियर. यहां पहले एक गार्डन हुआ करता था. एक लास्ट यूज है यूज टू का. तीसरा है यूज टू मीन्स एक्सटम्ड टू. यूज टू का मतलब अभ्यस्त होना भी होता है. जैसे आई एम यूज टू rising early in the morning. मैं सुबह जल्दी उठने की अभ्यस्त हूँ. तो ये आपने देखा मॉडल्स, मॉडल ऑक्सिलरीज. हमारी हेल्पिंग वर्ब्स दो टाइप की होती हैं. एक प्राइमरी ऑक्सिलरीज जो अपने सब्जेक्ट के नंबर ऑफ पर्सन के अनुसार चेंज होती हैं. दूसरी होती है मॉडल ऑक्सिलरीज जो सब्जेक्ट के नंबर ऑफ पर्सन से चेंज नहीं होती. इन जो जो जिन भावों को एक्सप्रेस करती हैं उसके आधार पे इनको डिफरेंशिएट किया गया है. इनके साथ में बेस फॉर्म वर्ब का यूज़ होता है. मॉडल ऑक्सिलरी के साथ हमेशा फुल वर्ब लगती है. जब हम इनके साथ बी या हैव का इस्तेमाल करते हैं तो हम इनको डिफरेंट फॉर्म्स में चेंज कर सकते हैं. अदरवाइज अगर हम सिर्फ मॉडल यूज कर रहे हैं जैसे कैन या मे या वुड या शुड तो उसके साथ में हमको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लेना है. अगर हम कैन बी वुड बी शुड बी कैन हैव कुड हैव ऐसा यूज कर रहे हैं तो आप अकॉर्डिंगली वर्ब विथ आई एन जी या वर्ब थर्ड फॉर्म यूज कर सकते हैं. सो दिस वॉज योर टॉपिक मॉडल ऑक्सिलरीज. यू मस्ट हैव अंडरस्टूड इट. थैंक यू.